गुड मॉर्निंग क्लास 7th, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेल. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 3. हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, वो हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम ये पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो इवेंट्स हैं उनके कारण हमारे यहाँ पर जो आज़ादी की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1757 से 1857 तक, वो किस तरीके से हुआ था, जिसमें हमने द मार्टियर्स और द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट कर लिए थे. जो मार्टियर्स था, मार्टियर्स शहीदों के बारे में, और कंपनी का जो कब्जा था ऊपर, वो हमने कंप्लीट कर दिया था. आज हम ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेज़ों का राज था, जो कि था 1765 से 1836 तक. मेरा इस तरीके से पढ़ाने का रीज़न यही है कि क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स नहीं हैं और वो हमें बोलते हैं कि स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए, तो इस तरीके से आप दोनों काम आपके हो जाएंगे, यानी बुक भी आपको मिल जाएगी सामने एंड यू कैन लर्न इट फ्रॉम दैट. सो ब्रिटिश रूल जो था, ब्रिटिश एम्पायर का रूल जो राज था, वो 1765 से 1836 तक था. जो रिलीजियस लीडर्स थे, रिलीजियस लीडर्स कौन से होते हैं, जो ये बताते हैं कि प्रीच करते हैं कि ये ब्रिटिश रूल हम कर चुके थे एंड राजा राम मोहन रॉय भी हमने शुरू कर दिया था. नाउ वी विल मूव टू ऑपरेशन. आज हम ऑपरेशन से शुरू करेंगे. मैंने आपको ये बता दिया था. आज हम ऑपरेशन से, ऑपरेशन का मतलब होता है लोगों को दबाना शुरू करना. ऑपरेशन इज़ एज सिमिलर टू सप्रेस, दबाना लोगों को. तो 1765 से 1835 तक द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियन. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, यहाँ पे आपको हार्ड वर्ड्स मिलते जाएंगे, अंडरलाइन करते जाएंगे हम. ऑपरेस होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब होता है दबाना. ब्रिटिश ने, अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को दबाना शुरू रखा. इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3. उन्होंने एक एक्ट निकाला जिसके तहत, अंडर इट मतलब जिसके तहत, एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट. किसी भी इंडियन को बिना किसी ट्रायल के क्या हो सकती है, जेल हो सकती है, उसे जेल में भेजा जा सकता है. यानी आपको पता है कि कभी भी कोई कोई गुनाह करता है या क्राइम करता है तो उन्हें सबसे पहले क्या भेजा जाता है, ट्रायल के लिए. बट उन्होंने ये एक्ट निकाला कि उन्हें बिना किसी गलती के ही क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा जेल में. ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेसेस. अब वो लोग सब यहाँ आकर बस गए थे, तो उन लोगों, वो लोग इंडियन गवर्नमेंट से, नाम की इंडियन गवर्नमेंट थी, ठीक इसके ब्रिटिशर्स की, और उन्हें बहुत बड़ी बड़ी सैलरीज मिलती थी एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस. उन्होंने अपने प्राइवेट बिजनेस भी शुरू कर लिए थे धीरे 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 धीरे. उन्होंने अपने प्राइवेट बिजनेस भी क्या कर लिए थे, शुरू कर लिए थे. अब आप नीचे देखेंगे कि बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया. मतलब 1829 आते आते ब्रिटेन ने एक्सपोर्ट करने की जो जो सीमा थी वो कितनी हो गई थी अपने गुड्स को, 7 करोड़ रुपए हो गई थी. द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगिन टू डाई. जो ब्रिटिश कंपनीज थी वो क्या होती जा रही थी, दिन दोगुनी रात चौगुनी करती जा रही थी. और जो इंडिया की जो स्मॉल इंडस्ट्री थी वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे बंद होती जा रही थी, मरती जा रही थी. किसी उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मरते जा रहे थे. गवर्नमेंट जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम. जब गवर्नमेंट जनरल बेंटिक घर आए, उन्होंने बताया द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया. उन्होंने कहा ये जो हड्डियां हैं, ये जो कॉटन वीवर है, कपास बुनने वाले हैं, कॉटन बुनने वाले हैं, इनके कारण इंडिया की जो धरती है वो क्या हो रही है, ब्लीच होती जा रही है. मतलब बहुत जगह इनकी हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी हैं. मतलब लोग मरते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोग मरते जा रहे हैं. अब आता है डिससेटिस्फैक्शन. डिससेटिस्फैक्शन का मतलब होता है असंतुष्टता. लोगों के अंदर क्या आ गई, मन में असंतुष्टता आ गई. किस तरीके से आई, 1835 से 56 तक हम पढ़ेंगे. एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत. जो एजुकेशन थी इंडिया में वो थी पर्शियन में, संस्कृत में.
इन 1835 इंग्लिश मैन नेम मकॉले सजेस्टेड ए चेंज. एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था मकॉले, उन्होंने एक चेंज सजेस्ट किया. उन्होंने कहा वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. आई अग्री. तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि इंडियंस को क्या सिखानी चाहिए, इंग्लिश सिखानी चाहिए, या उनको नेटिव्स कौन हो गए, इंडियंस, तो उन्हें इंग्लिश सिखानी चाहिए. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू होम ब्रिटिश गेव पैटी जॉब्स अंडर दैम. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि अपने ही अंडर इंडियंस को भी हायर किया हुआ था, उन्हें रखा हुआ था नौकरी पर ताकि वो उनसे टाइम टू टाइम काम निकलवा सकें. बट इंसिडेंटली इसके कारण से एक अच्छी चीज़ हुई कि इट ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल. इसके कारण जो नए बुद्धिमान लोग, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान वाइस लोगों का जन्म हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आती थी और उनके जो काम करने के तौर तरीके थे वो बहुत डिफरेंट थे, तो उन्होंने वो सीखना शुरू किया. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस पिक्चर में देखिए सारे इंडियंस हैं एंड दे वर टॉकिंग, ये सब बात कर रहे हैं. वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर, हमें हमारे भाइयों को एजुकेट करना चाहिए एंड टू ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, और उनकी कंडीशन को क्या करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आर ग्रीवियंसिस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. इसके लिए हमें ब्रिटिशर्स को अपनी ये जो हम जो ग्रीवियंसिस ये हो गए, मतलब जो हमारे सुझाव है, वो ब्रिटिशर्स को पार्लियामेंट में रखने होंगे. अब आप देखिए बाय 1856 द ब्रिटिश हैज़ कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया. पहले हमने देखा था कि येलो जो एरिया था, यानी इंडिया के जो प्रिंसेसेस का पार्ट था, वो पूरी जगह फैला हुआ था. बट अब ऐसा नहीं है, आप हर जगह ब्रिटिशर्स का एरिया देखेंगे. पिंक एरिया बिलोंग टू ब्रिटिश एरिया. तो धीरे धीरे उनका साम्राज्य फैलता जा रहा था. दे केयर्ड अबाउट लिटिल नीड्स ऑफ द इंडियंस, उन्हें इंडियंस की नीड की बहुत कम परवाह थी. आर किंग हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स. हमारे किंग क्या बन गए हैं, पपेट्स बन गए हैं, और हमने हमारी जॉब्स खो दी हैं. एंड लैंड्स दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, और हमारी जमीन गई है, हमारी जॉब गई है, और हमारे भाइयों को वो क्या बदल रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं. किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियनिज्म में. यू ओनली टॉक डू ड्राइव देम आउट. ड्राइव देम का अड्रैम का आउट होता है भगा देना, मतलब आप लोग सिर्फ बात करते हो, उन्हें यहाँ से क्या दो, भगा दो, यहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें यहाँ से निकाल कर भगा दो. तो आज हम यहीं तक करेंगे. आप दोनों के जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको कॉपी में कर लीजिएगा. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.